What's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about what is image shapes and how to adjust image left, right and center. And after this guys, we have created responsive image gallery. जी हाँ guys, इस lecture में हम देखेंगे कि image की जो classes हैं bootstrap में, कि हम उसकी कैसे हम shape change कर सकते हैं. और after this guys, we have adjust image left, right and center. और लास्ट में हम जो है गाइज, हम एक रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी जो है वो हम क्रिएट करेंगे. तो चलिए गाइज शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज देखिए, हमारे पास जो है इमेज की जो शेप्स हैं, जो क्लासेस यूज़ होंगी वो ये हैं. इसको तो गाइज मैं बाद में जो है ना हम करेंगे इसको. और सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लोट एंड इमेज, फ्लोट की एंड फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट एंड फ्लोट सेंटर क्या होता है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने फाइल में आ जाऊँ. तो यहाँ पर देखिए मैंने बूटस्ट्रैप की जो सीडन लिंक है वो अटैचमेंट किया हुआ है, स्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है. ठीक है, एंड जो बैकग्राउंड कलर है वो मैंने इसका बीजी सेकेंडरी दिया हुआ. अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको ये एक सिंपल जो है एक ब्लैंक जो है पेज, सिर्फ इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको शो हो रहा है. ठीक है, तो गाइज अब बात करेंगे कि हम यहाँ पर जो है मैं एक डिव लेता हूँ सबसे पहले. ठीक है, और क्लास कंटेनर सेव इट. एंड गाइज यहाँ पर जो है एक मैं डिव लेता हूँ. ठीक है, और डिव के अंदर जो है एक मैं इमेज लेता हूँ. ठीक है, इमेज का जो सोर्स है वो डॉट, हम इस फाइल से मेन के बाहर जाओ इंडेक्स, और इसके अंदर एक फोल्डर है वहाँ चले जाओ, उसका नाम img है, उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी हुई है 1.jpg की. ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से हम रीड आउट करेंगे. ठीक है, यानी कि डॉट जो है फॉरवर्ड फोल्डर के अंदर जाने के लिए एंड फिर इमेज को अटेम्प्ट करने के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर अल्टरनेट ये होता है कि यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं कि यहाँ पर कोई 3D इमेज है या नहीं, 3D इमेज थी या नहीं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद गाइज यहाँ पर आपने एक क्लास जो है वो ऐड अप करनी है कि हमने इसको लेफ़्ट शो करना है, राइट शो करना है. तो वो उसके लिए है फ्लोट राइट, मैं कहता हूँ कि फ्लोट राइट हो जाए या लेफ़्ट कर लेते हैं इसको हम. ठीक है, लेफ्ट, ओके, फ्लोट लेफ्ट, सेव इट. और उसके बाद गाइज मैं जो इसको कॉपी करता हूँ सारे को. ठीक है, कॉपी करके ओके, कॉपी एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ. ठीक है, तो ये देखिए ये फ्लोट लेफ्ट है एंड ये फ्लोट राइट है. तो मैं जो इसका जो इमेज है चेंज कर देता हूँ, उसको मैं 2.jpg बोल देता हूँ. उसके बाद यहाँ पर जो है मैं इनकी जो विड्थ है गाइस दोनों की मैं एडजस्ट करता हूँ. विड्थ जो होगी तुम्हारी वो होगी 300 एंड देन गाइस जो हाइट है वो हम इसके दे देते हैं HEI हाइट जो होगी वो भी मैं अगर 300 ही कर देता हूँ, सेव इट. तो अगर गाइस मैं ओपन करूँ इसको, ठीक है, तो ये क्लास जो है फ्लोट लेफ्ट जो है वो हम इस तरीके से यूज़ करेंगे. ठीक है, फ्लोट राइट. एंड गाइस ओपन करूँ तो आपको ये जो इमेजेस हैं वो आपको साइड बाय साइड ये लेफ़्ट और ये राइट पे. एंड गाइस अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 2 एंड यहाँ पर कर दूँ 1 तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगी. ठीक है, तो ये लेफ़्ट पे है, ये राइट पे है. ठीक है, तो उसके बाद गाइस देखिए अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इमेज को सेंटर में, तो यहाँ से मैं एक और मूव करता हूँ. तो सेंटर करने के लिए गाइस वो हमें यानी कि जो इसकी जो विड्थ वगैरह है इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ. तो उसके लिए क्लास यूज़ होगी गाइस वो होगी हमारे पास मार्जिन एक्स एक्सिस जो है वो ऑटो करना है एंड डिस्प्ले ब्लॉक. ठीक है, सेव इट. तो गाइस देखें यहाँ पर मैंने सब लिखा हुआ है, फ्लोट एंड इमेज टू द राइट विद द फ्लोट राइट क्लास और टू द लेफ्ट विद फ्लोट लेफ्ट, सेंटर एंड इमेज बाय एडिंग द यूटिलिटी क्लास मैक्स मार्जिन एक्स ऑटो एंड मार्जिन ऑटो मेन के. ठीक है, एंड डिस्प्ले ब्लॉक टू द इमेज, आपको ये दो क्लासेस इसको देनी है सेंटर में लाने के लिए. एंड देन गाइस यहाँ पर आपने स्टाइल को यूज़ करना है एंड विड्थ जो इसकी आप देंगे वो 50% दे दें. ठीक है, इसको सेव करें. अगर गाइस मैं इसको ओपन करूँ तो आपको ये इमेज जो है वो सेंटर में दिखाई देगा इस तरीके से. ठीक है, तो इमेज को सेंटर लाने के लिए इस तरीके से, लेफ़्ट राइट करने के लिए तो आपने वैसे कर सकते हैं. तो गाइज़ इस तरीके से हम जो है
इस इमेज को जो है वो सेंटर में कर सकते हैं। एंड देन गाइज लास्ट में जो है हम अब एक रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी जो है वो क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर हेडिंग देता हूँ और इसको जो है क्लास देता हूँ, क्लास टेक्स्ट सेंटर एंड कुछ हेडिंग होगी हमारी, ठीक है। और इसका जो टेक्स्ट होगा वो वार्निंग होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि रिस्पॉन्सिव, ठीक है, इमेज हमारी जो है वो गैलरी है, इमेज गैलरी, ठीक है, इन बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप 4, ठीक है, सेव इट। तो यहाँ पर जो है मैं एक तो इसको जो क्लास दिया हुआ है यहाँ पर मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप से मैं कहता हूँ कि 5 हो जाए ये, और मार्जिन बॉटम से ये लार्ज जो है ये 5 हो जाए, ठीक है। उसके बाद गाइस यहाँ पर देखें मैं एक डिव लेता हूँ, ठीक है, क्लास कंटेनर, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं एक डिव लेता हूँ। तो गाइस ग्रिड सिस्टम मैं लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपने यहाँ पर यूज़ करना है कोल, ठीक है, एंड एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो क्लासेस हैं वो अप्लाई करनी है कोल एक्सेल। एंड देन गाइस जो आपके पास है 4 मैं कहता हूँ कि 3-4 इमेजेस लूँ, ठीक है, कोल, ठीक है, मैं जितनी क्लासेस सब अप्लाई करूँगा। उसके बाद लार्ज होती है हमारे पास, लार्ज 3, कोल MD 3, ठीक है, एंड कोल SM 3, कोल 12, ठीक है। एंड में जो स्मार्ट डिवाइस के लिए जो कॉलम है वो 12 ही यूज़ कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर गाइज मैं एक इमेज जो है वो यूज़ करूँगा, उसका जो सोर्स कोड मैं कहता हूँ कि डॉट, यानी कि इस फाइल से बाहर जो एक हमारे पास इमेज का फोल्डर है, ठीक है, इमेज का फोल्डर हमारे पास ये है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस इमेज के अंदर आपने यहाँ पर एक फाइल का नेम है 1.jpg, आपने इसको उठा लेना है, यूज़ करना है, अल्टरनेट आप दें, अगर ना दे तो एज यू विश, ठीक है। उसके बाद ये आपने यहाँ पर जो है क्लास आपने यूज़ करना है क्लास, और क्लास जो है अगर रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको इमेज फ्लूट का जो क्लास है वो एडअप करना पड़ेगा इमेज टैग के अंदर, ठीक है। और जो इमेज है वो नाइसली जो है वो टू द पेरेंट एलिमेंट के स्केल होती जाएगी, मीन कि एडजस्ट होती जाएगी। तो यहाँ पर आपने इमेज फ्लूट का जो क्लास है वो ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद गाइस जो है इतना काम हो जाने के बाद आपने इसको करना है यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पेस्ट करना है, एंड देन पेस्ट, एंड देन पेस्ट। सेव करता हूँ यहाँ पर मैं, और इनकी जो नेमिंग है वो मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि 6, 7 एंड देन 9। सेव करता हूँ यहाँ पर मैं। सेव करने के बाद गाइस इसको अगर मैं ओपन करूँ ब्राउज़र में तो आपको जो है इस तरीके से इमेज जो है वो मिलेगी आपको, ठीक है, ये आपको इस तरीके से जो है इमेज जो है और वो मिल रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्यों मिल रही है, क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पर इसको एक रो के अंदर एडजस्ट नहीं किया। तो सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ, क्लास रो, ठीक है, सेव है, सेव, और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद जो है आपने रो की क्लास को ऐड करने के बाद अगर मैं इसको ओपन करूँ तो अब आपको ये इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो ये देखिए इमेज आपको अब ऐसे दिखाई देगी क्योंकि मैंने रो की क्लास जो है वो एडअप नहीं की थी। तो सबसे पहले आप रो की क्लास ऐड करेंगे, एंड देन गाइस फिर आप ये इमेजेस को एडअप करेंगे, ठीक है। तो अब अगर गाइस मैं इसको यहाँ पर करूँ कि इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, और यहाँ पर देखें आप अगर मैं 1200 नीचे जाऊँगा तो ये देखें रिस्पॉन्सिव इमेज जो है बनती जाएगी हमारी, ठीक है, वो देखें। अब जैसे 982 से जाऊँगा उससे और नीचे चली जाएगी ये, जैसे ही जाऊँगा 992 देखें हो गई। एंड देन गाइस फिर देखें आप यहाँ पर वो देखें 768 सेकंड लेस देन होगी, और लास्ट में देखें गाइस ये देखें हमारे पास ये होगी हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ठीक है, ये अलाइनमेंट एक नीचे एक चलेगी, ठीक है। तो ये है गाइस हमारे पास, देखें रिस्पॉन्सिव इमेज जो है वो हमारे पास बन चुकी है। एंड गाइस अब बात करेंगे शेप्स की, ठीक है, शेप्स क्या होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है क्लासेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है, राउंडेड, ठीक है, इमेज राउंड हो जाएगी, ठीक है, थोड़े से उसके कॉर्नर, एंड सर राउंडेड, राउंडेड सर्कल। एंड गाइस एक हमारे पास होती है इमेज थंबनेल, इमेज थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रिफ्रेश करूँ
तो देखिए आपको ये जो इमेज है ये तो सर्कल दिखाई दे रही है, और गाइस इस इमेज को जो अगर आप गौर से देखें इसके जो कॉर्नर है वो थोड़े राउंडेड हैं, तो ये राउंडेड क्लास की वजह से हुआ है, ये राउंडेड सर्कल है, ठीक है। और ये गाइस जो इमेज है इस पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, हम इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, और ये जो क्लास जो है वो मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ ताकि जो आपको इमेज थंबनेल जो है वो आपको अच्छे से दिखाई दे। सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर, तो देखें इस तरीके से इमेज थंबनेल आप लगा सकते हैं। तो देखें ये एक आपके पास रिस्पॉन्सिव इमेज जो गैलरी जो है वो क्रिएट हो चुकी है। एंड देन गाइस अगर आप चाहते हैं कि इनके दरमियान जो स्पेसेस आ रही हैं ये वाली, अगर ये ना हो, अगर आप नहीं देखना चाहते तो इसके लिए आप एक क्लास होती है यहाँ पर, आप रो के अंदर यूज़ कर सकते हैं नो गटर, ठीक है ना, मीन के कोई गटर्स ना हो, मीन की कोई लाइन के दरमियान स्पेसेस ना हो, तो देखें इस तरीके से अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस मैं ये क्लास अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, तो आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अब अगर आपने एक और जो है वो क्लास बनानी है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप से 5, सेव इट, और यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद नीचे आता हूँ, पेस्ट करता हूँ, सेव इट। और गाइस अगर मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखें इसी तरीके से हमारे पास एक और नीचे वो इमेज क्रिएट हो गई है। और इस तरीके से अगर मैं इनकी जो नेमिंग है जो इमेज के वो मैं चेंज करता हूँ 2 एंड देन 3 4 एंड लास्ट में जो है वो 5, ठीक है, सेव इट, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें हमारे पास इमेज चेंज हो गई है। और ये भी गाइस हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, अगर मैं इनको अगर करूँ इस तरीके से देखें वो साथ साथ रिस्पॉन्सिव होती जा रही हैं, स्मॉल है, और ये हमारे पास मोबाइल डिवाइसेस के लिए इसे यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये है इस तरीके से। और अगर मैं और एडअप करूँ जैसे कि मैं इसी को ऊपर वाले को एडअप ताकि इमेज जो है वो डिफरेंट लगे, ठीक है, कॉपी करूँ यहाँ से, कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ नीचे, स्पेस पेस्ट, ठीक है, सेव इट और रिफ्रेश करूँ, तो देखें आपको इसी तरीके से इमेज जो है वो नीचे भी एडअप हो गई है। तो गाइज़ ये है हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी, ठीक है। आपको शेप किस में लगी होगी, आपको हाउ टू सेट, हम लेफ्ट राइट पे कैसे इमेज को सेट कर सकते हैं, सेंटर में कैसे कर सकते हैं। तो गाइज़ इस लेक्चर में इतना ही। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।